हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नेल आर्ट किट का रिव्यू, अनबॉक्सिंग और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसी को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस नेल आर्ट किट को मैंने यहाँ पर विशाखापट्टनम के CMR मॉल से ख़रीदा है। आप चाहें तो इस किट को किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से ख़रीद सकते हैं या फिर अमेज़ॉन पे भी इस टाइप की किट अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको नेल आर्ट करना बहुत ही पसंद है और आपको नेल आर्ट बनाना नहीं आता है तो इस किट के थ्रू आप बहुत ईजी तरीके से अपने नेल्स पर नेल आर्ट बना सकते हैं और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। अगर आप इस किट को अमेज़ॉन से परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब इस किट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले इसके जो बैक साइड की पिक्चर है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें बैक साइड में पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिनको फॉलो करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ तो आप उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ये दो ब्लू कलर के सर्कल मिलेंगे, इसमें पैटर्न बने हुए हैं, इसी से आप अपनी नेल आर्ट बना सकते हैं। इसमें जो ब्लू कलर की पॉली लगी है अभी हम इसको निकालेंगे, और ये स्टैम्प है, जैसे कि हम स्टैम्प लगाते हैं उसी तरीके से ऊपर इसमें स्पंज के तरीके से, और एक ये ब्लेड दिया हुआ है जिससे कि एक्स्ट्रा नेल पेंट को हम इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये ब्लू कलर के कवर को मैंने निकाल दिया है, अब इसमें आपको डिज़ाइन दिख रहे होंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल हमें डिज़ाइन पर इसमें नेल पेंट लगाना है, और नेल पेंट लगाने के बाद जो ये ब्लेड दिया हुआ है इससे एक्स्ट्रा नेल पेंट को इससे हटा देना है, और हटाने के बाद जो ये स्टैम्प वाला दिया हुआ है इससे इसको नेल पर पेस्ट करना है। अभी मैं आपको यहाँ पर पेपर पर पेस्ट करके दिखा रही हूँ कि किस टाइप के डिज़ाइन इसमें हैं। इस नेल आर्ट को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको शाइनिंग वाला नेल पेंट यूज़ नहीं करना है, जो मैट फिनिश में नेल पेंट आता है उसको यूज़ करना है। पेपर पे चेकआउट करने के बाद इसको मैं आपको अपने नेल्स पर लगाकर दिखाऊंगी कि नेल्स पर इसको कैसे करना है। नेल्स पर इसको लगाने से पहले मैंने नेल पर अपने न्यूड कलर का एक नेल पेंट ऑलरेडी पहले से लगा लिया है। लाइट कलर का नेल पेंट लगाया है तो आप इसके लिए हम डार्क कलर का कोई भी, जैसे कि ब्लैक कलर का या रेड कलर का नेल पेंट ले सकते हैं, और अगर हम जैसे कि ब्लैक नेल पेंट लगाते हैं अपने हाथ पर तो हम वाइट कलर का नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल उभर कर दिखे। बाकी नेल आर्ट को भी इसी तरीके से स्टैम्प के तरीके से हम एक एक करके सारे नेल्स पर भी लगा लेंगे। तो इसका फाइनल जो व्यू है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अगर आप इस नेल आर्ट को बाय करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसका रिव्यू मैंने आपको दे दिया, इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल और ईजी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, और इसी टाइप के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो के एंड में मैंने आपको इसको ब्लैक नेल पेंट के साथ भी ट्राई करके दिखाया है, जिसमें कि मैंने नीचे बेस में ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाया है और ऊपर वाइट कलर का, और इसकी जो अटैचमेंट है इनको क्लीन करना भी बहुत इजी है क्योंकि ये मेटल का है, तो इसको आप कॉटन में रिमूवर लेकर इसको क्लीन कर वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने इसको आपको ब्लैक नेल पेंट के साथ भी ट्राई करके दिखाया है, तो आप देखिए पूरे नेल आर्ट का फाइनल लुक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।